अंडरवर्ल्ड की यातनाएं अब पड़ चुकी हैं जो बेल के मकान से शुरू हुई। रसिंग लमास्तु, न आराम की अनुमति, न ही सोने का मौका। ये रात दिन की बीमारी है, जैसे कोई शैतान या कोई बवंडर, जैसे स्वर्ग का अंधेरापन। एक, दो, तीन, चार, पांच। तैयार रहो, मैं आ रही हूं। जो बात मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता वो ये है कि एग्जॉटिक के साथ नया मोह, जैसे कि असीरियन, इजिप्शियन, सुमेरियन, करामाती और भयंकर, ये सब चीजें। लेकिन टेबल टिपिंग भयंकर या एग्जॉटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बोरिंग जरूर है। अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा मतलब कुछ और था, या तुम समझी नहीं? अंकल, सच में आप सुमेरियंस के खिलाफ क्यों हैं? वो यूरोपियन जादू टोने की इज्जत बचा रहा है। Come on, seriously, मैं बोल रहा हूँ ढोंगियों के बारे में, जो खुद को जादूगर बताते हैं। ओह, मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये है उला, बेगम उवा रुवा का साथी। दो हफ्ते पहले पीटर्सबर्ग से आया है ना? हाँ, सही कहा। हमारे इस प्रांत में हर तरह के ढोंगी भरते जा रहे हैं और यहाँ कर फेमस होना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पर सब कुछ बहुत आसान हो रहा है। अंकल इसलिए नर्वस है क्योंकि वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं थी और वो फेमिनिस्ट भी थी। तुम्हें पता है कि वो खुद को क्या बुलाती है? सुमेरियन का एक चेला और अकाडिन जादूगर समाज। बोलो, ये कैसा है? अच्छा, क्या मैच है, फेमिनिज्म और मैजिक। एक्चुअली उला एक बहुत ही प्रोग्रेसिव औरत है। ऐसा क्या? नई चीजें आजमाने में आगे। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है, बोलो। एक लड़का भी भागता हुआ आया है, वो कहता है कि बेगम। क्या? उसने उसे मार दिया जो उसके साथ रहता था। उसका जो नाम है वो भी क्या कहूँ, लूला है। उन्होंने कहा कि उसने कल रात को उसे जादू से मारा। ये तो काफी अजीब लग रहा है। काली मोमबत्ती की मोम, ये तो काफी पुरानी और अटपटी किस्म की रिवाज है। मुझे पता है काउंटेस माइग्रेन से जूझ रही थी, ये एक हार्ट अटैक से मर सकती है। क्या तुम इन्हें जानते थे? हाँ, वो मेरी पेशेंट थी। जरा ये दिखाना। ये लो। ये देखिए, कुछ अजीब किस्म के निशान है यहाँ पर। हाँ, ये तो मरोड़ के निशान हैं, लेकिन काफ़ी बड़े हैं। इंसानी शरीर में तभी प्रकट होते हैं जब उस जगह पर बिजली से चोट लगती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि काउंटेस ने कैंडल्स जलाई और वो नीचे बैठी, फिर इन पे बिजली गिरी और ये मर गई, पर खिड़की पे कोई निशान नहीं है? इस निशान को देख कर तो ऐसा ही लगता है, इसलिए मैंने कहा। फिलहाल तो ये सब कुछ बेतुका है डॉक्टर, क्या आप इनकी हथेली पर एक बार नज़र डालेंगे? डॉक्टर, उम्मीद है आपको कुछ मिला होगा। याकोब प्लाटोनविच, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई ज्योतिष नहीं।
मुझे हिंसा के कोई आसार नजर नहीं आए, बहुत गहराई से परीक्षण करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ। सर वहीं रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम किलजुबूफ है, बेगम उवारोवा मेरी पेशेंट है। मुझे माफ कीजिए सर, अभी किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। देखो मिस्टर, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा बेगम को देखना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन मैं नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे बॉस यहाँ पर हैं? हाँ वो तो घर के अंदर ही हैं, लेकिन अभी किसी को भी अंदर जाना मना है, मुझे कहा गया है। ठीक है। यस सर। बेगम के पति की मौत के बाद वो हमेशा उनसे मिलने आया करती थी। वो बहुत ही अद्भुत महिला थी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत तन्हा थी और दयनीय भी। लेकिन चाहे जो भी हो, बहुत शोहरत थी उसकी जिंदगी में। तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद होगी, मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन क्यों? तुम वहाँ जाके क्या करोगे? अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान बेगम ने मुझे उनकी वसीयत निर्वाहक बनने को कहा था। उन्हें राजधानी के वकीलों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए उनकी वसीयत अब हमारी सुरक्षा में है। आपने मुझे कभी नहीं बताया। मेरी जान, मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम्हें मेरे क्लाइंट्स के बारे में जानने में दिलचस्पी होगी। जब जलन का कोई जरिया बचता नहीं है ना, तो लोग तुम्हारे काम से ही जलने लगते हैं, जो कि आम बात है। प्योत्र इवानोविच, मेरे ख्याल से यह बहुत बुरा मजाक था। मुझे लगता है ये बातें कुछ और ही मोड़ ले रही हैं। मैं गार्डन में जा रही हूँ। जब मैं पिछली बार आया था, मैंने उन्हें कम ओपियम लेने की हिदायत दी और कोई दूसरे नुस्खे अपनाने को कहा। हो सकता है उन्होंने उसके लिए कोई अनोखी किस्म की रस्म और रिवाज निभाई हो और इसीलिए उनकी मौत हो गई हो। नौकर का कहना है कि गहनों का एक बक्सा नहीं मिल रहा, काफी कीमती था। ये तो एक लूट है, वो भी रहस्यमय तरीके से की हुई। दिलचस्प है। तो इस पर काम करो और बॉडी को मेरे मुर्दा घर भिजवा देना, अगर तुम्हारा यहाँ हो जाए तो। वैसे मुझे एक ख्याल आया, तुमने कहा कि इस केस का जादू टोने से संबंध है, तो इसका मतलब इसमें एना विक्टोरोवना को बुलाना पड़ेगा ताकि वो अंडरवर्ल्ड के इस मामले को सुलझा सके। क्या कहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है एना विक्टोरोवना के आने से और भी ज्यादा सुराग हाथ लग जाए। या फिर हमें इनके रस्म और रिवाज की गहराई तक जाने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर, मैं सुमेरियन से एक प्राचीन मंत्र पढ़ रही थी और सर दर्द के लिए अकाडियन जादू, एक किताब से हटके उरा के तीसरे बंद से। क्या बेगम तुम्हारे साथ थी? उसकी शारीरिक उपस्थिति की जरूरत नहीं थी। तुमने कमरा नहीं छोड़ा, क्यों? मैं एस्ट्रल प्लेन के लिए निकल गई थी, उसके बाद मुझे याद नहीं। एस्टर प्लेन की एक अच्छी वाइन है, प्रिसी फेंच। बेगम के लिए एक तोहफा, वो अकेले नहीं पीती हैं। मेरा मतलब कभी नहीं। याकोब प्लाटोनोविच, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। गुड आफ्टरनून विक्टर इवानोविच, आप यहाँ? मैं यहाँ स्वर्गीय उवारोवा की वसीयत का निर्वाहक के तौर पर आया हूँ। ज़टॉक्स में जब तक आप नहीं आते तब तक कुछ नहीं होता विक्टर। मैं देखता हूँ, हम थोड़ी देर के बाद बातचीत करेंगे।
डॉक्टर मिल्स, तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। माफ करना, क्या तुम मिस्टर क्लीजू बोल रहे हो? सच कहूँ तो तुम ही वो आखिरी शख्स हो जिसे मैंने यहाँ मिलने की उम्मीद की थी। तो राजधानी के एक डॉक्टर का यहाँ आना कैसे हुआ? बता दूँ कि उवरोवा मैडम मेरी पेशेंट थी, मैं यहाँ उन्हें देखने के लिए आया था। फिर मैंने सोचा जब यहाँ आए ही हैं तो आसपास के नज़ारों को भी देख लें। थोड़ी ताज़ी हवा है। पर अचानक ऐसा हादसा हो गया और पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे हुआ क्या था? बेगम की तबीयत तो ठीक ठाक थी, प्रॉब्लम सिर्फ माइग्रेन की थी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ खास नहीं बता सकता। क्या तुम मुझे उनके पोस्टमार्टम के दौरान वहां रहने का मौका दोगे? मैं उनका डॉक्टर रहा हूं। खैर, अगर पुलिस ने इजाजत दी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलता हूँ। आपका मतलब है पोस्टमार्टम पॉसिबल नहीं है? उवरोहा किसी कीमत पर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगी जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। हम मर्डर केस की तहकीकात कर रहे हैं, हमें किसी भी कीमत में मौत के कारण का पता लगाना ही होगा। सॉरी याकूब प्लाटोनोविच, ये बड़ी बेहूदगी है। बेहूदगी हो या ना हो, वही उसकी इच्छा थी। तो क्या उल्ला अपनी मर्जी से उनकी कैंपेनियन में शामिल हुई थी? याकूब प्लाटोनोविच, आप जानते हैं कि मैंने अभी तक उसकी इच्छा के बिना एक भी जानकारी बाहर नहीं जाने दी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर मिल्स को इन्फॉर्म करना ही होगा। वो पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं भी आपको ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पर तुम अपने डैड से मिलने आई हो? मैं इनसे मिल चुका हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं उला को सपोर्ट करने आई हूँ। लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उसे डायन समझ के जलाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं तुमसे ये नहीं चाहता। बाय द वे, आप जानते हैं लोग मुझे भी डायन कहते हैं और वो लोग मुझे भी जलाने की तैयारी में हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? डैडी, डैडी प्लीज, थोड़ी देर की ही तो बात है, उसके बाद आप आ जाइएगा। ऑलराइट, कम ऑन, जल्दी जाइए, प्लीज जल्दी कीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। हाँ, मिलते हैं। बेगम अपनी बीमारी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ना जाने उनके दिमाग में क्या आ गया था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये ऑफिसर आपको साथ में ले जाएंगे, अपने साथ ये बुक जरूर लाइएगा। मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब कौन से बेसिस पर हो रहा है? एना विक्टोरिया, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसी बेसिस पे मैं इनको अरेस्ट कर रहा हूँ। इन्हें लेकर जाओ। क्या आप ठीक हैं? मैं संभाल लूंगी। उस रात से मैं थोड़ा ठीक नहीं महसूस कर रही। अच्छा, तो आपने विच हंट करना शुरू कर दिया है, आप मैटेरियलिज्म के लिए आइडियल बन गए हैं। देखो, मैं तुम्हारी भागीदारी के कभी खिलाफ नहीं था ना, और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। गुड बाय। ठीक है, ये इस तरफ। अब दूसरे की चाल। माय डियर,
तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने बेगम ओआरुआ को देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बेगम और उसकी आत्मा? हाँ, मैं उनके रूम में थी। वो मुझे डरा रही थी और मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। तुम्हारे पापा ने भी तुम्हें डराया था ना, जब तुम्हें वहाँ देखा होगा गुस्से में लाल पीले हो गए होंगे। अंकल आप भी? मैंने अपने घर में अपने कमरे में बेगम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आ पाई। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि उला उसकी मौत के समय कोई भयानक खुराफात कर रही थी और उसकी आत्मा तब अपवित्र हो गई। इस बात की पूरी संभावना है। तो मैं उनकी आत्मा को सिर्फ उनके घर में ही बुला सकती हूँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ माय डियर कि आपने ओवारुवा मैडम को कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की थी? मुझे लगता है बेगम अफीम की अत्यधिक सेवन करती थी, इसलिए मैंने उन्हें ब्रोमाइड के कई मिक्सचर्स रिकमेंड किए ताकि उनके जहर को निकाला जा सके। ओह गुड, कहना पड़ेगा आपने नहायत ही प्रोग्रेसिव सॉल्यूशन दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि आप जिसे प्रोग्रेसिव सॉल्यूशन बता रहे हैं वो जाना पहचाना नाम है और कई मेडिकल पब्लिकेशन में उसके बारे में जिक्र किया गया है। हाँ, जब आपने इतना पढ़ा है तो आपको ब्रोमाइड के साइड इफेक्ट के बारे में भी पता होगा। मेरे दोस्त ये जहरीला भी हो सकता है। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बेगम को जहर दे दिया? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। हो सकता है मैडम ने खुद ओवरडोज ले ली हो। जेंटलमैन प्लीज स्टॉप दैट और मुझे इनके जख्म के पैटर्न के बारे में थोड़ा बताइए, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये पूरी तरह से संभव है कि जब मैडम को दवा दी गई हो तो उनकी नसों में खून का दबाव बढ़ गया हो और फिर इस वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया हो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर मिल्स की गलती की वजह से बेगम अपने टेबल पर मरी हुई मिली? हा? क्या आपको पता है कि बेगम को कभी कभार थोड़ी देर के लिए पागलपन का दौरा भी पड़ता था, जिसकी वजह थी भारी मात्रा में अफीम लेना और जादू टोना के चक्कर में रहना? क्या आप उन्हें जानते थे? बिल्कुल, उल्ला एक पुराने ख्यालात वाली औरत। अगर वसीयत में उसका नाम उन्होंने दे भी दिया होगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज हमें उसका क्रेनियोटॉमी करना होगा, उसके बाद हम उनके दिमाग पर जो फिजिकल इफेक्ट पड़ा है वो बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें मैडम की बॉडी की पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए कुछ और करना होगा। अच्छा ये बताइए, क्या हम बाहरी परीक्षण कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर प्लीज शुरू कीजिए। मिस्टर ग्लिज़ुबो ने मुझ पर गंभीर आरोप लगाया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। मोर ओवर मुझे लगता है कि अब मुझे एक सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखिए डॉक्टर, आप एक सस्पेक्ट बिल्कुल नहीं हैं, इसीलिए कोई भी आपको इस केस से नहीं हटा रहा है। और डॉक्टर क्लिज़ुबो को हम एक्सपर्ट के तौर पर इन्वाइट करेंगे अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं और नहीं, लोगों का घर तोड़ देना ये ऑब्सेशन बन रहा है तुम्हारा, ये कौन सा तरीका है? हा? और तुम्हारे पापा ने भी स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम पर कड़ी नजर रखी जाए, लेकिन मैंने क्या किया बताओ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि उला निर्दोष है या नहीं, ताकि मैं उसके नहीं, लिए मतलब नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा बस। और उला निर्दोष है या नहीं ये बात कोर्ट तय करेगा, तुम नहीं। और मुझे लगता है कि वो अनाड़ी है, वो एक मैजिकल रिचुअल थी और तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही हो। मेट, मेट, कौन सी मेट? चेक मेट। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बॉडी और हेड पर तो किसी तरह के हिंसा के निशान तो नहीं है? एक्सलेंट निष्कर्ष मिस्टर क्लिज़ुबो। बॉडी की कैपिलरी पैटर्न को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें माइग्रेन की वजह से ये धब्बे पड़े हैं, या फिर हो सकता है केमिकल इफेक्ट्स भी हो। और मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल घटना है, तो इतनी आसानी से इसके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है। जेंटलमैन, आपस में बात करने की बजाय क्या आप लोग मुझे इनकी मौत का असली कारण बता सकते हैं? निश्चित रूप से।
मैं उल्ला टोमकुटे के लिए वकालत नहीं कर सकता। ऐसा करना नैतिकता का उल्लंघन होगा। पर क्यों नहीं? क्योंकि एना, वो मेरे क्लाइंट की मर्डर की सस्पेक्ट है। ठीक है, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तो दीजिए। वो ऐसा करे तुम इसके लिए प्रार्थना करो। वो ट्रांस में जा सकती है और उस अवस्था में कुछ याद कर सकती है। डैड, हमें वही एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं उस तरह की कोई बात नहीं कर रही हूँ। वो पॉइंटलेस है, लेकिन मैं जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। बेटी, हर किसी को न्याय मिल ही जाता है, लेकिन कानून वो कानून हर किसी के लिए बराबर है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे जादू टोना करके मार दिया गया हो। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और तुम्हारी नजर में जादू टोने का क्या आधार हो सकता है? मुझे नहीं पता। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कुछ संप्रदाय ने वैसा किया। पर सच्चाई ये है कि उसके गहने चोरी हो चुके हैं। याकोब प्लोटोनविच, किसी ने उनके गहनों को अपने कब्जे में कर लिया है। बस एना विक्टोरोना के बारे में क्या? मुझे पता है वो वहीं थी। क्या उसने आपसे बात की? बात की उसने, काफी देर बात की उसने मुझसे। बात की? किस बारे में बात की आपसे? विक्टर इवानोविच, विक्टर इवानोविच, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फेवर लूंगा। निकोलो वसिलियविच, ऐसा कहिए कि ये फेवरेबल नहीं है, प्रपोजल है इन्वेस्टिगेटिव एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्वेस्टिगेटिव एक्सपेरिमेंट? मुझे तो लगता है कि ये इन्वेस्टिगेटिव एक्सपेरिमेंट अंधविश्वास पर आधारित है। आप भी तो कहते थे ना। आप इसके बारे में सोचिए, आपके शक को अपने बारे में बताने का ये आखिरी मौका है। आखिर हमें उसकी बातें क्यों सुननी चाहिए विक्टर? मुझे तो लगता है कि ये औरत उतनी समझदार नहीं है। उसकी बातों पर ध्यान मत देना। निकोलो वसिलियविच, उसे एक मौका दीजिए। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, कोई रहस्य नहीं है। एक मौका? ये सब बहुत अजीब है। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। इसके अलावा बेगम चाहती हैं कि उन्हें शांति से अलग रहने दिया जाए। लेकिन क्या आपने उन्हें देखा? बेगम की आत्मा को, मेरा मतलब एतमू को। मैंने देखा, लेकिन बहुत धुंधला सा। वेल, हो सकता है कि आपने ये सुना भी हो कि मौत के जिम्मेदार आप हैं। उसका हमेशा एक ही कारण होता है, वो है बेल की मर्जी। मुझे तो लगता है तुम्हारे जादू टोने की वजह से बेगम को दिल का दौरा पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, बेगम की आत्मा को साफ करने की जरूरत थी। आत्मा को साफ करने की जरूरत थी? हंसी आ रही है मुझे, क्या बकवास है। मुझे तो लग रहा है कि तुमने अपने जादू टोने से उनके दिमाग को काबू में कर लिया। सोच समझ के मुझ पर आरोप लगाइए, आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं ये बकवास बातें क्यों सुन रहा हूँ? सर्वशक्तिमान तुम्हें सजा देगा। देखो, अभी हमें चुप रहना चाहिए। मेरा सर फट रहा है, मुझे दवा लेनी होगी। आपकी इसी दवा की वजह से बेगम की जान चली गई थी। आप खुद एक शैतान हैं। आप भी नहीं बचेंगे। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने जो देखा, नौकर से पूछ लीजिए, वो आपको ठीक से कन्फर्म कर देगी। डॉक्टर, हो सकता है कि ये सच हो। याको प्लाटनोविच, ये रिपोर्ट देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि बेगम ओवारोवा की मौत जादू टोना से हुई है। उनकी मौत से उल्ला का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना सिंपल नहीं है निकोलो वसिलियविच। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसका इन्वेस्टिगेशन करने से अच्छा है इस केस को बंद कर दो, क्योंकि समुदाय के लोगों का हमें गुस्सा झेलना पड़ रहा है। लेकिन सस्पेक्ट दोषी है, बस हमारे पास एविडेंस नहीं है।
तो फिर जाओ, जाकर ढूंढो गुडमैन। सर एक बात और, इसके अलावा उल्ला ने भी डॉक्टर क्रिजबो के सजेशन को कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर मिल्स की दवा की वजह से ये सब हुआ। प्लीज समझने की कोशिश करो, वो अपना दोष किसी और पर डाल रही है। हमें विश्वास नहीं करना है। हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, एक फेमस डॉक्टर पर या फिर वो मायावी तांत्रिक पर? मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन सर हमें एविडेंस तो चाहिए ही, और बेगम के घर से हमें ऑलरेडी दवा मिल चुकी है और हमने उसे जांच के लिए सेंट पीटर्सबर्ग भेज दिया है। वंडरफुल वंडरफुल, तो जल्दी करो। सर बस हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एक बार रिजल्ट आ जाए तो हम इस केस को बंद कर देंगे। याको प्लाटनोविच, अनिश्चितता बहुत तनावपूर्ण होता है, इसे घसीटो मत माय गुड मैन। कोशिश कर रहे हैं सर। एना विक्टोरोना, क्या तुम उल्ला की मदद करने के लिए किसी आत्मा से संपर्क करना चाहती हो जिसे कोई देख ना सकता हो? तुम फिर से कोशिश कर रही हो ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी उसकी उम्मीद भी नहीं की थी। तुम तो चाहते थे कि वो सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले, है ना? सिर्फ केस को बंद करने के लिए मैं कभी किसी निर्दोष को जेल में नहीं डालता हूँ एना। हैव अ गुड डे। जब आपने इतना पढ़ा है तो आपको ब्रोमाइड के साइड इफेक्ट के बारे में भी पता होगा। दवा की वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आपकी इसी दवा की वजह से बेगम की जान चली गई थी। आप खुद एक शैतान हैं। आप भी नहीं बचेंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने बेगम को जहर दिया है? खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। रुको 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 रुको, सेलियनिको, क्या बकवास कर रहे हो? याको प्लाटनोविच, सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे तो लगा कि तुम कहीं पर जाकर सो रहे होगे। ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर, आपने इस घर की पहरेदारी का जिम्मा दिया है, मैं ड्यूटी पर हूँ। तो ये बताओ कि घर की नौकरानी अब तक किससे मिली? श्योर सर, जब वो घर से बाहर निकली तो मैंने उसको फॉलो किया, वो किसी से मिली थी। तुम काफी अच्छा काम करते हो। तो ये बताओ कि वो कहाँ पर गई थी? पहले वो बाजार गई थी, वहां पर उसने फूड खरीदा, उसके बाद वो सेलिवन ज्वेलर से मिली। ज्वेलर से मिली? हाँ हाँ। पर वहां पर वो क्यों गई थी? मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़के के अनुसार वो वहां पहले भी जाती थी। उस लड़के से बोलो कि वो नौकरानी का लगातार पीछा करे। ये लो, उसकी नजर हटनी नहीं चाहिए। तो क्या हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए? किस लिए? अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पे हमें नजर रखनी है। ओके, डोंट वरी याको प्लाटनोविच, हम ये कर लेंगे। देखो वहां पर कुछ है, मैं वहां नहीं जा सकता। वो अंग्रेज उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उनमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं। मुझे लगता है हम लोग यहां अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? चलो हम वापस टोलमैन के पास चलते हैं।
इस काम को हम यहीं छोड़ देते हैं, बहुत हो गया। हमारा उन पर जो कर्ज था वो हम उतार चुके हैं। गुड मैन, तुम जानवरों को डरा के भगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में सुन चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या परेशानी है, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? अभी तो गर्मी का महीना है। घनघोर कोहरा था, एक सप्ताह पहले मैं कोहरे में फंस गया था, तब मुझे खांसी हो रही थी, सांस भी नहीं ले पा रहा था मैं। कोहरा? क्या कहा, कोहरा? क्या आपने सुना नहीं, जंगल में जहरीला कोहरा फैला हुआ है। क्या आपको इस तरफ छोटे छोटे जानवर और पक्षी मरे हुए नहीं दिखते? मैंने तो कहीं नहीं देखा, हो सकता है वो ठंड की वजह से हो गया हो। ये कोहरा है, कोहरा। पता नहीं ये कोहरा क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये कोहरा जहां से आता है वहां सैनिक हैं। वहां पर सैनिक मौजूद हैं? सैनिक रहते हैं। ऐना, ऐना क्या हुआ, तुमने नाश्ता भी नहीं किया और तुम? कल रात मैं उवा रुवा के घर गई थी। ओ नो। और मैंने उसे देखा, वो मुझे बुला रही थी। तुम्हें क्या लगता है किस लिए? उसको आखिर तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई? शायद वो मुझे बताना चाहते थे कि असल में हुआ क्या था। हो सकता है कि वहां वो कोई रहने वाला पुराना भूत हो, क्योंकि उस पुराने घर में कोई रहता नहीं है। मुझे उसके रूम में जाना चाहिए। ऐना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्या? तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? लेकिन अंकल। नहीं, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। ऐसा मजाक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको चलना होगा। है ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। हर कोई स्टॉलमैन की तरह बात क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं एक निर्दोष औरत को बचाना चाहती हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वो पुलिस का काम है, कम ऑन। हम आपके लिए हैं डॉक्टर, और अगर ऊपर वाला मुझे माफ करे तो ऑफ कोर्स मैं आपको कोर्ट में बिना किसी फीस के बचाने के लिए तैयार हूँ। विक्टर इवानोविच, आप जैसे उदार आदमी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। देखिए बस ये एक गलत फहमी है और कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। याकोब लटोनोविच, एक सस्पेक्ट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द अरेस्ट करके गार्ड की देखरेख में रखा जाए। अरेस्ट, वो भी गार्ड की देखरेख में? आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? हाँ, क्योंकि ऐसा होने के बाद कोई भी सस्पेक्ट भाग सकता है। सबूत को मिटाना इन्वेस्टिगेशन में दखल देने जैसा है। ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेगुनाही कानून और नियमों का पालन करते हुए साबित करूँ। इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर। ऐसा होगा तभी मेरी इज्जत कायम रह पाएगी, समझने की कोशिश करो। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं असली कातिल को पकड़ लूंगा। माफी चाहता हूँ, मुझे इस वक्त जाना ही होगा, कुछ जरूरी काम है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, किसी की जिंदगी का सवाल है, एक औरत की जिंदगी का सवाल है। देखिए प्लीज ऐना विक्टोरोवना, स्टॉलमैन के पीठ पीछे मैं ये नहीं कर सकता, वरना मैं कैसे बाहर हो जाऊंगा। वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा। एक बार मैं वहाँ चली गई तो मुझे पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। और हत्यारा ना हुआ तो हो सकता है कि वो कोई एक्सीडेंट हो। एंटोन एंड्रोविच, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें किसी न किसी का हाथ जरूर है, हम दोनों मिलकर उसका पता लगाएंगे। आप समझ तुम मेरे असिस्टेंट से कोई पागलपन वाली स्कीम की बात तो नहीं कर रही थी ना? मैं सिर्फ एंटोन एंड्रोविच से हेल्प मांग रही थी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ना, तुम इस तरह का बचपना मत करो। एंटोन एंड्रोविच, अपने काम पर जाओ। चलिए जेंटलमैन।
मिस्टर क्लीजोबो। मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिरोनोवा। हाँ। मैं वकील मिरोनोवा की बेटी हूँ। हाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उल्ला निर्दोष है, मैं ये साबित करना चाहती हूँ। ओह। हाँ। उल्ला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड औरत है। हाँ, लेकिन उसने बेगम की जान नहीं ली। क्या इस मामले में आपकी कुछ और राय है? वैसे एक वजह तो है जिससे वो चाहती थी कि उनकी मौत हो जाए। मैं आपको बता दूं, मैं पता कर सकती हूं कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अच्छी बात है, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो थोड़ा अजीब है, लेकिन हमें ये बात किसी और को नहीं बतानी होगी। एलिस, कैसा महसूस कर रही हो? मैं मानकर चलता हूँ कि तुम पढ़ रही हो। बहुत अच्छा, ये किताब तुम्हारे लिए दवाई का काम करेगी। मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हाँ हाँ, क्न्याज मुझ पर हमला कर रहा है। नहीं, पर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि मैं एक बुरा डॉक्टर हूँ। नहीं, आप अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर हो। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत आपको है। आपने मुझसे कहा ना कि ये एक दवा की तरह है, ये एलिस की किताब के बारे में, ये सच में दवा है। आई ट्रीट यू, ये इंग्लिश में है, मैंने ट्रांसलेट किया है इसे। मैं आपको बताती हूँ, और क्लियरली बोले वॉम ने कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें ठीक से समझ चुकी हूँ, जबकि मैं तो खुद को भी ठीक से नहीं समझ पाई हूँ। सर, एलिस ने कहा, जब मैं प्रकट होती हूँ तो मैं नहीं रहती। देखो देखो क्या प्रकट होता है। ये कीमती और एंटीक सामान है, वो इसकी कीमत जानना चाहती थी। ये लीजिए। क्या पहले ये किसी को मिला? नौकर को मिला था। क्या वाकई ये नेकलेस? ऑफ कोर्स, बेगम हमेशा मुझे अपना खजाना दिखाया करती थी और वो उसकी कीमत में भी रुचि रखती थी। क्या वो इसे बेचने जा रही थी? उनमें से कुछ। वो राजधानी के ज्वेलर्स पर भरोसा नहीं करती थी और वो सही करती थी, वो धोखेबाज थे। लेकिन उसके पास बेगम का नेकलेस आया कहाँ से? उनकी नौकरानी ने बताया कि ये पूरा सामान उनकी विरासत है और उसने कहा कि वो खुद बेगम उसे देना चाहती थी। ओके, उसे कैसे पता कि बेगम ये चाहती थी? जाहिर तौर पर बेगम ने उसे बताया होगा। पर वो ऐसा क्यों करेंगी? मेरे हिसाब से बेगम अकेले मरने से डरती होगी शायद, इसीलिए उन्होंने इतना कीमती नेकलेस देकर उससे प्रॉमिस ली होगी कि हमारी नौकरानी भी हमारे साथ चलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेगम की सारी ज्वेलरी की लगभग कीमत क्या होगी, एटलीस्ट कैलकुलेट कीजिए। लगभग इतना। लेकिन बेगम इतना सारा सामान घर पे क्यों रखती थी, और वो भी सब लोगों के सामने? सबके सामने क्यों? अक्सर वो बॉक्स मेरी तिजोरी में रखा करती थी, यहाँ पर। क्या वो भी वहाँ पर है? नहीं, बेगम उसे समय समय पर ले जाती थी जब उन्हें कहीं डिनर पर जाना होगा, जैसा कि अभी का समय। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐना उस जादूगरने के केस में इन्वॉल्व रहे। मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि ऐना, उसके अपने अलग कारण होते हैं। वो अपनी क्षमता को लेकर काफी उत्सुक रहती। वो उल्ला भी अपनी कैपेसिटी दिखाना चाहती थी, मगर बेगम को नुकसान पहुंचा दिया। मुझे किसी संभावना की उम्मीद नहीं है। तो फिर आप क्या सुझाव देंगे? मैं सुझाव दूंगा कि तुम ऐना से बात करो। वो ऐसी औरत को क्यों बचाना चाहती है जिसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है?
विक्टर, तुमको पता है ना, जब ऐना कुछ करने की ठान लेती है तो मैं भी इस वक्त पूरी तरह बेसहाय हो जाता हूँ। जो भी हो, अफसोस वो कभी बेटर एडवर्टाइजर नहीं ढूंढ पाई। वेल, ऑल राइट ऑल राइट, मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। जिस दिन बेगम की मौत हुई थी उस दिन उनका बॉक्स कहाँ था? इसमें, सेकंड ड्रावर में। जेवरात तुम्हारे पास कैसे आए मुझे ये बताओ। बेगम मेरे लिए छोड़ गई हैं। और बाकी के जेवरात कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, उस दोपहर के बाद यहाँ और लोग आए थे, मेरा मतलब पहले उनकी मौत के पहले वो लोग चले गए थे। तो फिर सारे गहने कहाँ थे? मैंने गुप्त जगह पर रख दिए थे। मैं बहुत खुश थी कि ये गहने मेरे होने जा रहे हैं। और ऐसा तभी होता जब तुम्हें ये सब कुछ लिख कर दिया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ और तुमने वो सारे गहने चोरी कर लिए, वो भी जब बेगम जिंदा थी। मैंने चोरी नहीं की है, मैं उन्हें वापस रखने जा रही थी, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश थी। बॉक्स कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं कसम खाता हूं सब बकवास है। एक डॉक्टर जिसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तुम्हें देखो मुझे खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, और वो भी किससे? हाँ, क्लेशी बोस से। उसने मेरा बुरी तरह से तिरस्कार किया है। वो अपने आप को समझता क्या है? वो क्लीजुबो और वो बेगम भी, तुम्हें पता है वो आत्मा के बारे में डीप जानकारी लेना चाहती थी, अपने आसपास जादूगरनियों से घिरी रहती थी, लेकिन जब उसे कोई तकलीफ होती थी तो वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। सब ऐसे ही होते हैं, डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करते, वो तांत्रिक के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम डॉक्टर्स कोई जादूगर नहीं होते। है ना विक्टोरिना, क्या आप मेरी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करेंगी? हाँ बिल्कुल। इस घर में आप आती जाती हैं, इसकी जानकारी किसी और को ना हो, वरना आपकी छवि खराब हो जाएगी। इससे मेरी छवि का क्या लेना देना, और ये बात कौन मानेगा कि हम दोनों सीक्रेट डेट पर हैं? हाँ ये तो है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा पुराने ख्यालात के हैं। वेल, आप एक आदमी नहीं है, मेरा मतलब आप सिर्फ एक आदमी ही नहीं, आप एक डॉक्टर हैं, तो फिर कोई गलत क्यों समझेगा? हाँ एक तरह से देखा जाए तो आप सही कह रही हैं, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है। मैं यहाँ अकेले आना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी। हाँ वो यहाँ से चला गया है, अब हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। आइए।
मैंने उसे देखा। और उसने कुछ बताया? ठंडा, लाइटिंग, कुछ शेडो के फ्लैशेस। ठीक है, मुझे लगता है कि बेगम आज बात करने के मूड में नहीं है। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ इशारा कर रही थी लेकिन मैं उनके इशारे को समझ नहीं पाई। ये कौन था? ए, रुक जा, कौन है तू? भाग गया वो। कौन था वो? पता नहीं कौन था। वो इतनी तेजी से भागा कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया।